नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। न्याय की मांग को लेकर के व्यक्ति ने शुरू की दंडवत यात्रा। खैरपुर चौकी से एसपी ऑफिस तक जाएगा दंडवत। खैरपुर चौकी पुलिस पर सीएम विंडो में गलत जानकारी देने के जड़े आरोप। पत्नी पर ससुराल वालों की तरफ से दबाव व झूठा मामला दर्ज करवाने का आरोप भी लगाया। ससुराल वालों के खिलाफ कर रहा है कार्रवाई की मांग। अगर न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे इच्छा मृत्यु की इजाजत। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। खैरपुर चौकी पुलिस द्वारा हिरासत में रखकर मारपीट करने व ससुराल पक्ष द्वारा की गई शिकायत को झूठा बताते हुए कार्रवाई करने की मांग को लेकर के आज एक व्यक्ति ने दंडवत यात्रा शुरू की। यह यात्रा खैरपुर चौकी से शुरू की गई और उसके बाद लगवा सचिवालय स्थित एसपी ऑफिस पहुंचेगा और वहां से हिसार रेंज के आईजी के नाम ज्ञापन सौंपेगा। उसको कहना है कि उसकी साली से व्यक्तिगत संबंध थे लेकिन किसी और से। वही व्यक्ति उसकी पत्नी को परेशान करता था। जब उसे पता चला तो उसने कार्रवाई करने की बात कही। उसके बाद ससुराल वालों ने उसकी पत्नी को बहका कर उस पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद पत्नी और बच्चे उसी के साथ रहे। उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने दबाव बनाकर के खैरपुर चौकी पुलिस से उसे हिरासत में ले लिया और उसकी पत्नी और बच्चों को और लेकर के मायके चले गए। आरोप है कि चौकी में उसके साथ मारपीट की गई। वहीं तबीयत खराब हो गई तो उसका इलाज भी नहीं करवाया गया। कार्रवाई की मांग को लेकर के दंडवत यात्रा कर रहा है। उसका कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिलता है तो वह सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की याचिका करेगा। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। और 12 साल पहले मेरी शादी हुई थी और 11.5 साल बाद मेरी पत्नी पता नहीं किस किस के दबाव में मेरे ऊपर दहेज का आरोप लगा रही है, मेरे ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगा रही है। मुझे पुलिस प्रशासन पीट रहा है चौकी के अंदर, बेकसूर होते हुए चौकी के अंदर 7-8 घंटे बंदी बनाकर मुझे पीटता है। हॉस्पिटल में मैं जब जाता हूँ तो मेरा इलाज नहीं होने दिया जाता। मेरे को 2-2 यूनिट खून की बोतलें चढ़ाई जाती हैं जबकि मैं रक्त दाता हूँ, खून डोनेट करने वाला आदमी हूँ, और मेरे 2-2 खून की बोतलें चढ़ाई जाती हैं। और जो चोट मेरे लीवर के पास लगी थी उसका इलाज तक नहीं किया गया। 3 महीने तक मैं दर्द के मारे कराता रहा, उसका इलाज भी नहीं होने दिया। ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरी साली की वजह से। मेरी साली के संबंध थे किसी के साथ और वो उन संबंधों को लेकर इतना नीचे गिर गया कि वो मेरी साली को भी ब्लैकमेल करने लग गया और उसके बाद उसकी आग हमारे घर तक पहुंची। और जब मुझे इस सारे मामले का पता चला और मैं उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाना चाहता था तो सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए मेरे साधु उमेद सोलंकी ने और मेरे ससुर ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगवाए मेरी पत्नी के जरिए। जबकि ये सारी चीज़ें घटना पता होने के बाद 6 महीने तक मेरी पत्नी मेरे साथ रही और वो भी इन 2 आरोपियों के खिलाफ जो विनोद शिवानी और कपिल शर्मा गांव वड़वा निवासी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहती थी लेकिन वो उसे जबरदस्ती लेकर चले गए। और आज मेरे बेटे जो मेरा एक ही बेटा है, बड़े अरमानों के साथ उसे मैंने पाला पोसा था, उसका भविष्य भी आज अंधकार में आया हुआ है। एक पिता और एक पति आज इस सड़कों पर रेंग रहे ताकि न्याय हो सके। उन 2 आरोपियों के खिलाफ और पुलिस कर्मचारी ओम प्रकाश के खिलाफ और भूपेंद्र के खिलाफ और हरप्रीत के खिलाफ और जो चौकी इंचार्ज, जो खैरपुर के चौकी इंचार्ज है, जो सीएम विंडो के ऊपर रिपोर्ट लगाकर, गलत रिपोर्ट लगाकर वो अपने उच्च अधिकारियों को भी गुमराह कर रहे हैं, वो भी न्याय नहीं होने देना चाह रहे। क्योंकि अगर ओम प्रकाश के ऊपर कार्रवाई हुई, जो पुलिस कर्मचारी है जो खैरपुर चौकी का नहीं था, अगर उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो खैरपुर पुलिस चौकी है ये 2 पुलिस कर्मचारी भी नापे जाएंगे और इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं, मेरे को इतना मानसिक प्रताड़ित कर दिया गया है कि मैं मरने के कगार पे हूँ लेकिन मैं इस भगोड़ा बनकर मैं मरना नहीं चाहता, मैं दरवाजा बंद कर लटकना नहीं चाहता। मैं प्रशासन से और देश से यही मांग कर रहा हूँ कि मुझे या तो न्याय संगत जीवन दे या मुझे न्याय संगत मौत दे। मैं इच्छा मृत्यु की रीट भी डालूंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ये सड़क पर जो मैं रेंग रहा हूँ ना, एक पिता रेंग रहा है, एक पति रेंग रहा है और ये सड़क पे बिछा हुआ मेरा खून और मेरी ये घिसी हुई चमड़ी सिरसा को कभी माफ नहीं करेगी अगर वो कुछ भी नहीं बोले तो इस मुद्दे के ऊपर। मेन दोषी है जी विनोद कुमार, विनोद जांगड़ा निवासी सिवानी और कपिल शर्मा निवासी गांव बड़वा और ओम प्रकाश पुलिस कर्मचारी और मेरा साधु उमेद सोलंकी और सुशील कुमार मेरा साड़ा जो भुआ सास का लड़का है।